आप सभी लोग गाइस, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है कमाल के न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं आईक्यू न्यू 7 प्रो के बारे में, पूरा डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, सबसे पहले अगर आप यूट्यूब पे नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, आईक्यू न्यू 7 प्रो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में अपन पूरे डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को पूरा देखना और कुछ भी मिस मत करना। तो देखो गाइस, आईक्यू न्यू 7 प्रो को लॉन्च किया है आईक्यू ने, और ये स्पेशली फॉर गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें दो चिप्स लगे और बहुत अच्छे अच्छे मतलब कंट्रोल्स सब दिए हुए हैं। तो देखो गाइस, इस फ़ोन की ना बहुत अच्छी भी बात है और बहुत बुरी भी बात है, अपन बोले तो एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। तो देखो पहले एडवांटेज की बात करते हैं। देखो गाइस, अगर आप एक गेमर हो और एक अच्छा सा फ़ोन लेना चाहते हो अराउंड 35,000 के आसपास, तो देखो गाइस आईक्यू न्यू 7 प्रो बेस्ट है। अगर आप मतलब कंटेंट क्रिएटर सब करना चाहते हो तो आईक्यू न्यू 7 प्रो बेस्ट है, क्योंकि 35 के में मिल जाता है। जो इसमें प्रोसेसर लगा है ना, ऐसा अगर आप ऐसा प्रोसेसर वाला फ़ोन आप लेने जाओगे ना मार्केट में, सैमसंग और वन प्लस जैसी कंपनियों का, तो गाइस वो आपको मिलेगा 50,000 के अराउंड आसपास, कुछ ऐसे में मिलेगा। पर आईक्यू सिर्फ दे रहा है आपको 35,000 में, तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है। पहला तो ये एडवांटेज सबसे अच्छा है। और अपन गेम खेलते हैं तो बैटरी, तो गाइस इसका बैटरी भी 5,000 mAh है, तो अच्छा चलने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या पता है, इसकी सबसे बड़ी बात यह कि आपको 120 वोल्ट का चार्जर, एक फास्ट चार्जर मिलता है जो 8 मिनट में 0 to 50% चार्ज करके देता है। तो गाइस अगर आप गेमर, आपको पता है कि चार्जिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है गेम खेलने के लिए, अगर बीच बीच में फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा और जल्दी चार्जिंग होगा तो आपका दिमाग भी ख़राब होगा। तो एक बात आईक्यू ने देख ध्यान में रख के ना, सबसे अच्छा मतलब सबसे फास्ट स्पीड वाला चार्जर निकाल के दिया है। और गाइस यही नहीं, इसमें मोशन कंट्रोल भी है, आप अपने फ़ोन को हिला के मतलब रिलोड भी कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो, ये सब दिया गया है। और इसमें जो चिप्स लगे ना, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, गाइस दो इंडिपेंडेंट चिप्स लगे हैं, मतलब एक गेम को पूरा कंट्रोल करके रखेंगे। तो गाइस ये ना सबसे बहुत अच्छी बात है कि आपको, और इसमें ना कूलिंग सिस्टम भी है, तो आपका फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होगा, जो रेडमी के सब मतलब ऐसे ऐसे फ़ोन हीट होते हैं ना, ऐसे गाइस ये फ़ोन इतना ज़्यादा हीट नहीं होने वाला, आपको आराम से एक अच्छा सा गेम मतलब बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो गाइस बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको लेना चाहिए। और मतलब स्पेशली फॉर यूट्यूब पे आपको वीडियो बनाना है, मॉन्टेज बनाना है, कंटेंट बनाना है, ऐसा है ना, मतलब मेरी तरह आप एक गेमर हो तो ये फ़ोन गाइस ले सकते हो, बिंदास ले सकते हो। और गाइस, तो गाइस ऐसे आप मतलब नॉर्मली गेमिंग करनी हो ना तो आप ये फ़ोन ले सकते हो, मैं ये बोलूँगा आपको अगर नॉर्मली गेमिंग करनी हो तो। और अपन इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे आगे। तो देखो गाइस, आपको ना मतलब आप एक ई-स्पोर्ट प्लेयर हो तो गाइस ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो अब गाइस आप लोग बोलोगे भाई तू सबसे पहले बोल रहा था कि खरीद लो फ़ोन अच्छा है, बोल रहा कि मत खरीदो। तो देखो गाइस, मैंने बोला था कंटेंट क्रिएट करना, मतलब कंटेंट मतलब समझते हो ना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, मॉन्टाज हो गया, गेम प्ले डालना, ऐसा करना तो आप ले सकते हो नॉर्मली गेमिंग के लिए। अगर आप ई-स्पोर्ट के लिए लेना चाहते हो तो मत लो, क्योंकि आपको सबको पता है कि ई-स्पोर्ट पर ना आईफोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ना एम और बुलेट का बोलते हैं ना कनेक्शन, वो सब होना बहुत ज़रूरी है, और ये फ़ोन हक देगा, क्योंकि एंड्रॉइड ना और आईफोन है। तो देखो गाइस, आप स्पोर्ट मतलब खेलना है तो आप ये फ़ोन मत लो, क्योंकि फ़ोन हक देगा। और कोई भी एंड्रॉइड देख लो, एक या डेढ़ या दो साल ही अच्छा चलेगा, फिर बाद में वही ना वही दिक्कत पे आके खड़ा हो जाएगा, लैग होना, वो सब मतलब FPS ड्रॉप करेगा। और अभी से सब बोल रहे हैं कि आईक्यू न्यू 7 प्रो में FPS 30 FPS तक ड्रॉप कर देता है स्पोर्ट में, T1 लॉबी में। तो देखो गाइस, अगर आपको ऐसा खेलना है ना तो आप ये फ़ोन मत लो, क्योंकि आप फिर बाद में पछताओगे। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप 35K खर्च करने वाले हो तो आप आईफोन 11 ले सकते हो, क्योंकि वो बेस्ट है और उसका परफॉर्मेंस भी अभी अच्छा है, भले ही 4G है लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है भी, क्योंकि है तो वो आईफोन ना, तो आप वो आईफोन ले सकते हो आईफोन 11, क्योंकि उसका मतलब प्रोसेसर अभी सेम ही आ रहा है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं इतना ज़्यादा। और आईक्यू न्यू 7 प्रो आपका एक या डेढ़ साल अच्छा चलेगा, फिर वही दिक्कत सब खड़ी कर देगा, FPS ड्रॉप होगा। तो आप सिर्फ गेमिंग नॉर्मली गेमिंग करना है तो आप ले सकते हो, आप स्पोर्ट मतलब T1 लॉबी खेलना है तो आप मत लो, क्योंकि वहाँ पे आके जाके ना आपको दिक्कत लेगा ये फ़ोन, तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आप मत लो। अब गाइस आप लोग बोलोगे कि भाई तूने तो फ़ोन चलाया नहीं तो तेरे को कैसे पता चला। तो देखो गाइस, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे बड़े बड़े लोग बोल रहे जो यूट्यूबर्स हैं ना, जिनके पास सबसे पहले रिव्यू के लिए फ़ोन आता है, जो मतलब फ़ोन का प्रमोशन करते हैं, वो लोग बोलते हैं, मतलब वो लोग नहीं बोलते जो मतलब उनके पास 1.5 लाख पैसे मिलते हैं और साथ में फ़ोन भी फ्री मिलता है, तो वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, उनको तो फ़ोन की तारीफ़ करने को मिला है तो वो तो फ़ोन की तारीफ़ ही करेंगे ना। उन लोगों का रिव्यू देखो जो एक गेमर है आपकी तरह, मेरी तरह एक गेमर है, और वो सच्चाई बताएंगे आपको, वो बोलेंगे कि आप मतलब अगर स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो तो आप
एंड्रॉयड में मत ही भरो, iOS में जाओ, क्योंकि वहाँ पे ना बुलेट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है और ये सब वो ना आईफोन में बहुत अच्छा रहेगा। तो आप आईफोन ही लो अगर स्पोर्ट प्लेयर बनना है तो। अगर फ्यूचर में आपको मौका मिला स्पोर्ट खेलने का तो आप गाइस ऐसा फ़ोन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे ना 50-50 मिलते अलाउ रहते हैं वहाँ, तो यहाँ पे ना ये फ़ोन हक देगा पूरा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब iOS में जाओ अगर स्पोर्ट प्लेयर बनना है तो, और नॉर्मली गेमिंग करना है तो आप iPhone US 7 Pro ले सकते हो। और एक बात और देखो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अगर आपको समझ में आए तो। देखो गाइस, आपने पेट भर के खाना खा लिया और आपके सामने कोई आपकी मतलब बहुत अच्छी सी प्यारी मतलब बहुत आपको जो फेवरेट वो चीज़ ला के देगा, तो क्या आप खा पाओगे? अगर खाओगे तो आपका पेट ख़राब हो जाएगा, मतलब आपने पहले से ही पेट भर के खा रखा है और ऊपर से वो खाओगे तो आपकी तबीयत भी और पेट भी ख़राब होगा। तो ऐसे ही ना इस मतलब इस फ़ोन के साथ भी यही चीज़ होगी। अगर इतनी सारी चीज़ें दी इस फ़ोन में, अगर वो सब इसका प्रोसेसर नहीं झेल पाया तो क्या करेगा फिर? ये फ़ोन आगे जाके क्रैश हो जाएगा, डेड हो जाएगा पूरा। तो यही बात है, अगर मतलब इसमें दिया है स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1, ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन क्या गाइस एक इतना सारा झेल पाएगा? अगर इतना सारा लोड नहीं झेल पाया तो मतलब प्रोसेसर भी कुछ काम का नहीं होगा, फिर आगे जाकर डेड हो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा है, ये बड़े बड़े गेमर्स से जो यूट्यूबर्स है ये सब ये बोलते हैं। और हाँ एक बात और, ये फ़ोन 90 FPS नहीं देता, सिर्फ 60 FPS तक ही सपोर्ट करता है। पता नहीं क्यों 90 FPS नहीं देता, मैं BGM आया है तब से नहीं देता, उसके पहले देता था जब BGM मतलब बैन था, जब अनबैन होकर आया तब से ही नहीं देता, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। मे भी कुछ नए अपडेट के साथ हमें 90 FPS देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। वैसे तो गाइस ये फ़ोन मतलब बहुत ही तगड़ा है, लेकिन स्पोर्ट के लिए बहुत ही मतलब सब बोल रहे कि 30 FPS तक ड्रॉप कर देता है, तो मेरे को ना ये बहुत बुरी बात लगी। मेरे को भी फ़ोन लेना था वाला, लेकिन मेरे को स्पोर्ट में भी खेलने का मन है, तो मैं ना फिर गाइस iOS की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट भी खेलने का मन है। तो गाइस फिर मैं iPhone US 7 Pro नहीं लूँगा, क्योंकि गाइस इतना ड्रॉप करेगा और मतलब पैसे ही वेस्ट होने वाले ऐसे तो। मतलब आपको नॉर्मली गेमिंग करना है तो आप ले सकते हो, मैं फिर भी बता रहा हूँ, पहले भी बोला था कि नॉर्मली गेमिंग करना है तो आप ले सकते हो, स्पोर्ट वगैरह खेलना है तो आप मत लेना है फ़ोन। iOS की तरफ जब iPhone 11 मिल जाएगा आपको 40,000 के अराउंड कुछ, और दिवाली आ रही तो सेल भी आएगी तो बहुत सस्ते में मिलेगा, मतलब दिवाली के बाद ही लोग लेना है तो। और iQOO Neo 7 Pro भी गाइस बेस्ट ही फ़ोन है, कुछ इतना गंदा नहीं है, अच्छा ही फ़ोन है, लेकिन स्पोर्ट पे ना ये फ़ोन सब बोल रहे कि हक देगा, तो मैं यहीं पे कंफ्यूज हूँ पूरा। तो आप क्या बोलते हो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे को कमेंट में बताना। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट भी कर देना अच्छा मोटिवेशन के लिए, और मेरे को बताना हमको आगे क्या करना चाहिए, iQOO Neo 7 Pro ले के ना ले या फिर iOS की तरफ जाए, मेरे को कमेंट में सजेस्ट करना। और तब तक मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप गाइस आप सबको मैं जो बोला वो समझ आया होगा, नहीं आया तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको सभी बता दूंगा। क्यों ना मैं वीडियो थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, तो मतलब कुछ मेन पॉइंट मिस भी हो गए होंगे, मेरे को वो सब पता नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको सब बता दूंगा। तो गाइस अगर फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और हाँ अभी भी बोल रहा हूँ, iQOO Neo 7 Pro बेस्ट है, अगर आपको सिर्फ वीडियो क्रिएट करना है मतलब यूट्यूब पे डालना है तो iQOO Neo 7 Pro बेस्ट है, इतना गंदा भी फ़ोन नहीं है, अच्छा ही फ़ोन है, क्योंकि उसका प्रोसेसर अभी भी मैं बोल रहा हूँ बहुत तगड़ा प्रोसेसर गाइस उसका, आप ले सकते हो बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ गाइस आपको मेरे से पर्सनल बात करनी हो कुछ, तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे को फॉलो करके DM करना, मैं आपको सब बता दूँगा। अगर iQOO Neo 7 Pro के बारे में कुछ जानना है मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को मतलब DM कर देना या कमेंट में भी बता देना, मैं आपको सब बता दूँगा। और गाइस सपोर्ट कर रहा है तुम्हारे भाई को, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, सब देख के चले जाते हैं यार, एटलीस्ट लाइक तो कर दो तुम्हारे भाई को, कोई लाइक ही नहीं करता ऐसे चले जाते, सब देखते अपना काम बन गया और चले गए, ऐसा तो मत करो, सपोर्ट करो यार, तुम्हारा भाई इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो ला रहा है। अच्छा अच्छा अभी आगे अपन बहुत अच्छी वीडियो लाएंगे, तो प्लीज़ हमारे फैमिली के साथ हिस्सा बन जाए, करना कुछ नहीं है, सिर्फ वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दे और उसको ब्लैक कर दे, और कुछ नहीं करना है, इतना तो कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना, और कुछ हमारे से पॉइंट मिस हुए तो मेरे को कमेंट में बताना, अपन उसको भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लाएंगे। तो तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, वापस तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और लव यू ऑल। को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।